हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की अर्धायुकाल क्या होती है। हाफ लाइफ जिसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। इसे हम लोग टी हाफ या फिर T0.5 या फिर T50% द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमारी कहलाएगी अर्धायु काल, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। इसे हम टी हाफ या T0.5 या T50% द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना करेंगे। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो हमारा समीकरण होता है, K=2.303 / T log base 10 a - a x। अब यहाँ पर हम लोग टी के स्थान पर टी हाफ और ए माइनस एक्स के स्थान पर a/2 रखते हैं। तो समीकरण हमारा बन जाएगा यहाँ पर K=2.303 / T log base 10 a / a/2। चूँकि यहाँ पर ए माइनस एक्स के स्थान पर हमने रखा है a/2, जबकि टी के स्थान पर हमने रखा है यहाँ पर टी हाफ। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो K=2.303 / T₁ log base 10 2a / a। इस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा K=2.303 / T₂ log base 10 2। अब यहाँ पर लॉग टू की जो वैल्यू होती है 0.3010। अब लॉग टू की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुटअप कर देंगे तो K=2.303 * 0.3010 / T₂। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे K=0.693 / T₂ या फिर T₂ = 0.693 / K। यहाँ पर जो अर्धायुकाल है अभिक्रिया का वो स्थिरांक बटे स्थिरांक है। इस संबंध से यह प्रदर्शित होता है कि प्रथम कोट की जो अभिक्रिया की अर्धायु है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसी तरह हम लोग शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना करेंगे। तो शून्य कोट की लिए जो हमारा व्यंजक समीकरण होता है K=x/t, इसे हम लोग x के स्थान पर a/2 रखेंगे, t के स्थान पर टी हाफ रखेंगे। टी हाफ मतलब अर्धायु, तो यहाँ पर टी हाफ बराबर हो जाएगा a/2k। अब 2k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर टी हाफ इज इक्वल समानुपाती ए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है उसकी प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। तो टी हाफ समानुपाती ए।